हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ जॉन सीना की। जॉन सीना को ये 3 सुपरस्टार से बहुत बुरी तरह से हराया है। आज मैं उन रेसलर्स के बारे में इन डिटेल में दिखाने वाली हूँ उन मैचों को। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जॉन सीना रेसलिंग दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है। जॉन सीना ने कई सारे दिग्गज रेसलर्स के साथ मैच भी लड़े हैं, जिनमें द रॉक, ट्रिपल एच, अंडरटेकर, बैटिस्टा, शॉन माइकल, ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑर्टन के नाम भी शामिल है। जॉन सीना 16 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं। जॉन सीना लगभग 1 ईयर तक कंपनी के पोस्टर बॉय रहे हैं। जॉन सीना WWE के सबसे ज्यादा फेमस रेसलर्स में से एक है। जॉन सीना फ्यूचर में हॉल ऑफ फेम का खिताब भी जीत सकते हैं। लेकिन जॉन सीना के करियर में सब कुछ अच्छा ही नहीं हुआ था। कई सारे मौकों पर रेसलर्स ने उन्हें बुरी तरह से हराया भी है, लेकिन उस मैच में जॉन सीना कुछ भी नहीं कर पाए थे। नंबर 3 मैच हुआ था जॉन सीना वर्सेस द ग्रेट खली का। ये मैच सैटरडे मेन इवेंट 2007 में हुआ था। आज से 16 साल पहले द ग्रेट खली WWE के सबसे खतरनाक रेसलर्स में से एक थे। 2 जून 2007 को हमें जॉन सीना और द ग्रेट खली के बीच एक मैच देखने को मिला। यह मैच टोटल 10 मिनट से ज्यादा तक चला था। इस मैच में द ग्रेट खली ने जॉन सीना को बुरी तरह से तबाह कर दिया था। द ग्रेट खली ने अपनी हाइट और बॉडी का फायदा उठाया और स्टार्टिंग से ही जॉन सीना की जमकर धुलाई करना शुरू कर दी थी। इस मैच के टाइम जॉन सीना ने मुश्किल से 4 से 5 पंच मारे, जिसका द ग्रेट खली पर कोई असर भी नहीं हुआ था। वही द ग्रेट खली ने जॉन सीना को उनका फिनिशर चॉक स्लैम मार मैच जीत गए थे। उस टाइम जॉन सीना को इस तरह हारते हुए देखना काफी ज्यादा मुश्किल था। फैंस इस मैच को देखकर काफी ज्यादा शॉक भी हो गए थे। नंबर 2 जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर का मैच हुआ था। ये मैच रेसलमेनिया 34 में 2018 में हुआ था। इस मैच के लिए पूरा WWE यूनिवर्स काफी सालों से इंतजार कर रहा था, लेकिन रेसलमेनिया 34 में हमें इन दोनों के बीच मैच देखने को मिला। यह मैच हर रेसलिंग फैंस के लिए एक ड्रीम मैच था। यह मैच काफी ज्यादा अजीब था, बिकॉज इस मैच में अंडरटेकर ने जॉन सीना को बहुत आसानी से हरा दिया था। इस मैच के लिए हमें कुछ खास स्टोरी लाइन देखने को नहीं मिली, लेकिन हर हफ्ते रॉ के एपिसोड पर जॉन सीना आकर अंडरटेकर को चैलेंज करते थे। द अंडरटेकर ने उनके इस चैलेंज का जवाब सीधे रेसलमेनिया 34 में ही दिया था। यह मैच काफी ज्यादा छोटा था। यह मैच टोटल 3 मिनट तक चला। इस मैच में जॉन सीना द डेडमैन पर मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए हावी हुए थे, जिसके बाद अंडरटेकर ने इस मैच को आसानी से जीत लिया था। और नंबर 1 जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच समरस्लैम 2014 में हुआ था। अगर आप जॉन सीना के फैन हैं, तो यह मैच आपके लिए काफी ज्यादा खराब रहा होगा। इस मैच में जॉन सीना बड़ी आसानी से हार गए थे। जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के बीच हमें समरस्लैम 2014 में मैच देखने को मिला था। इस मैच में जॉन सीना ने ब्रॉक लेसनर को सिर्फ एक AA मारा, जिस पर उन्होंने बड़ी आसानी से किक आउट कर दिया था। इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को कुल 3 AF5 और कई सारे सुप्लेक्स मारकर जीत हासिल की। इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को एक तरफा हरा दिया था। यह मैच WWE की हिस्ट्री के सबसे बड़ा एक तरफा मैचों की काउंटिंग में आता है। 16 टाइम्स के वर्ल्ड चैंपियनशिप जॉन सीना ने इस मैच में कई सारे फैंस को निराश भी किया था।